फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फ्री फन बी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्र शुरू हो रहा है, तो हम लोग भी नवरात्र मनाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने नवरात्र न्यूजीलैंड में कैसे मनाया और हमने क्या क्या किया। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि आ गई है और हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो अभी मुझे अपना मंदिर डेकोरेट करना है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। ये देखिए, पूरा मंदिर खाली है क्योंकि हमारा सामान अभी तक आया नहीं है। और मैं नए भगवान जी लोग को ख़रीदना भी नहीं चाहती थी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पुराने वाले हैं। तो मुझे सिर्फ ये एक चुनरी और ये दो माला मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी से डेकोर करूँगी और जो है लाइट्स लगा दूँगी। तो मैं अब ये कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए मेरी माता रानी, और कुछ ऐसा दिखता है मेरा मंदिर जो मैंने सजाया है। और ये हमारा न्यूजीलैंड में पहला नवरात्र है, तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। एक्चुअली हमारे सारे भगवान जी लोग भी हमारे कुरियर में ही हैं, क्यों हम उन्हें ला नहीं पाए। तो हमने ये जो माता रानी की मूर्ति है वो हमने खरीदी है, और पूजा आइटम्स के नाम पे मुझे ये माला मिला था और ये चुनरी था जो कि मैंने आपको दिखाया था। उन चीज़ों से मैंने ये मंदिर डेकोर किया है। मुझे ये दिखे नीचे, और लकली मुझे ये स्टिकर्स मिल गए थे तो मैंने इनका पूरा यूटिलाइज़ किया है। तो या आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पास सामान नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप थोड़े से सामान में भी अपनी चीज़ों को बहुत सुंदर दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाया। तो अभी मैं नहा धो के अब पूजा पाठ करूँगी, जब तब भोग ये सब लगेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका फाइनल लुक कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल लुक, ये पूरा ऐसा सजा फाइनली। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास बस ये चुनरी थी और ये दो माला थे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो चुनरी है ना उसका बॉर्डर काट दिया और चुनरी को, मेन चुनरी को यहाँ पे लगाया। उसके बाद क्या हुआ ना, मुझे याद आया कि लकली हमारे पास ये पेपर भी थे जो मैं लेके आई थी इसके बॉक्सेस बनाने के लिए एक्चुअली। तो मैंने इसको भी यूज़ किया और इसको यूज़ करके मैंने ये माता की चौकी बनाई, और उसके ऊपर जो मैंने चुनरी के बॉर्डर काटे थे वो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ऐसे ही मैंने मैचिंग के बनाए। बाकी बॉर्डर बचा हुआ था ना, जो लेसेस बचे हुए थे, वो मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया क्योंकि ये एरिया ना मुझे बहुत प्लेन सा लग रहा था। और फिर मेरे पास जो स्टिकर्स थे ना, मैंने उनको ये स्टिकर्स से स्वस्तिक बनाए यहाँ पे। और ये देखें, यहाँ पे भोग लगाए और ये कलर्स, क्योंकि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो जितने थे मैंने उन्हीं को यूज़ किया हुआ है। और ये जो आप चुनरी देख रहे हैं, उसी चुनरी को काट के मैंने यहाँ पे माता रानी की चुनरी बनाई है, ये देखिए। तो ये मैंने स्टिकर से इनके, ये देखिए, और ये मैंने, तो फ्रेंड्स ये हमारे दिया जल रहे हैं, ये दिया हमने आरती किया है तो उसके ये दिया जल रहे हैं। तो फाइनली आपको ये फुल लुक ऐसा दिखेगा। नीचे मैंने बॉक्सेस वो सब रखे हुए हैं और ये देखिए, ये पूरा ऐसा दिखता है। तो मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, फिर भी मैंने फाइनली ऐसा बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाए। फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। माता रानी आपकी सारी विशेष पूरी करें, जय माता दी। और ऐसे हमने अपनी नवरात्रि पहले दिन की ऐसे मनाई। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन भी दबाइएगा। और तब तक के अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।